हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMII पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, रिस्क होता है, कभी भी लीनियरली पैसा यहाँ पे नहीं बनता है, ये आपको माइंड में रख के चलना होगा। इसलिए आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लेना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में भी बात करते हैं ओशिया जी टेक्स फैब के स्टॉक की। इस स्टॉक में आज फिर अपर सर्कट लग गया है। इसकी करंट मार्केट प्राइस 57.15 रुपीज़ है और इसमें आज 5% की तेज़ी देखने को मिली है। आइए इसके फंडामेंटल्स एक एक करके चेक कर लेते हैं, इसके फाइनेंशियल भी जान लेते हैं और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके स्टॉक की ही पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। लास्ट 5 डेज़ का डाटा देखें, 13.17% की बढ़िया ब्रेकआउट रैली अब इस स्टॉक में देखने को मिल गई है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखें तो और भी बढ़िया ब्रेकआउट यहां पे देखने को मिलेगी। 22.90% की बढ़िया ब्रेकआउट रैली इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। और यदि इस स्टॉक का 6 मंथ का डाटा देखें तो यहाँ पे 34% के बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही रेंज बाउंड काम इस स्टॉक में होता दिख जाएगा। पहले ये जो स्टॉक है कंसोलिडेशन जोन में ही चल रहा था, लेकिन अब इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक कर दिया है, बहुत ही अच्छी ब्यूलिश रिवर्सल शो कर दी है। यदि इस स्टॉक का लास्ट 1 ईयर का पैटर्न देखें, 46% से भी ज़्यादा रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म का पैटर्न देख लेते हैं, 5 ईयर का पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, 376% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो करेक्शंस के बाद कंटिन्यूसली इसके स्टॉक में रैली ही देखने को मिली हुई है। यदि इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें, 315% के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो 9 दिसंबर 2016 को इस स्टॉक की जो प्राइस थी 13.77 रुपीज़ थी, आज आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है 57 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो क्लियरली इसने अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल कर दिया है और बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हुए हैं, अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 4 टाइम से भी ज़्यादा ग्रो कर दिया है। तो आइए ओशिया सी टेक्स फैब के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। ये कंपनी 1995 में शुरू हुई थी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इसके 2 हैं, तो छोटी सी कंपनी है। यदि मार्च 2022 के नंबर चेक करें, रेवेन्यू का ग्रोथ पैटर्न बहुत ही शानदार है। सिमिलरली नेट इनकम में मल्टीफोल्ड जंप देखने को मिला हुआ है। डिल्यूटेड EPS देख लो, नेट प्रॉफिट मार्जिन देख लो, ऑपरेटिंग इनकम देख लो, सारे ही फाइनेंशियल पैरामीटर्स बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं ऑन ईयर बेसिस। तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के कंपैरेटिवली यहाँ पे बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। इसकी अर्निंग्स भी ग्रो हो रही हैं, मार्जिन्स भी ग्रो हो रहे हैं। यदि दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स देखें तो यहाँ पे भी ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही देखने को मिला था। रेवेन्यू में जरूर नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला था, लेकिन नेट इनकम, नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग इनकम शानदार रैली शो करते आपको दिख जाएंगे। सितंबर 2021 में जरूर फ्लैट ट्रेंड देखने को मिला था, जून 2021 में भी नंबर्स इसके जो फ्लैट ही हैं, लेकिन अब इसके दिसंबर और मार्च 2022 के नंबर्स बहुत ही शानदार हैं। क्लियरली इसके स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली है, इसके बिजनेस में भी आपको रिकवरी देखने को मिली है। तो आइए इसके फंडामेंटल्स एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स किस तरह के निकल कर आ रहे हैं और इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है वो किस तरह का निकल कर आ रहा है। तो फाइनेंशियल्स आर लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टरली नंबर्स आएंगे बहुत ही शानदार रहेंगे, ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही है इस कंपनी से। तो इस कंपनी की अब देखना होगा कि जून 22 के नंबर्स किस तरह के रहते हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर की कंपनी है, द ओशिया जी टेक्स फैब जो है कंप्यूटर सेक्टर में काम करती है। और यदि इस कंपनी की सबसे बड़ी हम स्ट्रेंथ देखें तो दिस इज़ ए कैश रिच कंपनी, क्योंकि इस कंपनी के पास कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, कैश भी बढ़ रहा है फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यदि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें 30 करोड़ का निकल कर आ रहा है। PE रेशो इज़ नाउ क्वाइट हाई, सेक्टर की PE रेशो के कंपैरेटिवली ये जो स्टॉक है अब बहुत ही कॉस्टली है और आप देख सकते हो इसकी PE रेशो बहुत ही हाई हो चुकी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और डिटेल जो हैं वो हम जान लेते हैं। टेक्निकली इस स्टॉक में आजकल अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। यदि इसकी मूविंग एवरेज चेक करें, 5 डे से लेकर 200 डे के इसके मूविंग एवरेज चेक करें तो बहुत ही ब्यूलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो इसके टेक्निकल्स आर लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव,
मूविंग एवरेज आर लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। तो प्राइस की परफॉर्मेंस आपके सामने अवेलेबल है, 1 वीक से लेके 3 ईयर तक का डाटा आपके सामने अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है फ्रॉम द 1 वीक टू 3 ईयर्स। जैसे जैसे इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, वैसे वैसे इसके रिटर्न भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये जो स्टॉक है बहुत ही कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस शो कर रहा है और कंटिन्यूसली अपने इन्वेस्टर्स को माला माल करता जा रहा है। और आजकल इस स्टॉक में आपको अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। 1 मंथ का एवरेज वॉल्यूम देख लो आप, 1 वीक का एवरेज वॉल्यूम देख लो, इसके वॉल्यूम में राइज ही देखने को मिलेगा, जंप ही देखने को मिलेगा। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, इसके कुछ और पैरामीटर हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। कंपनी अच्छी है लेकिन लॉन्ग टर्म का रेवेन्यू का ग्रोथ पैटर्न जरूर यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड शो कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में जरूर इसके रेवेन्यू में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली हुई है, रिडक्शन देखने को मिली हुई है, तो ये एक कंसर्न वाली बात है। और यदि इस कंपनी की अब हम ROE पहले EPS देख लेते हैं, EPS देखें तो ज़रूर यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिलेगी। 5 ईयर्स में नियरली फ्लैट पैटर्न है, स्लाइट रिडक्शन है, लेकिन 21 के कंपैरेटिवली इसके EPS में बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। ROE परसेंटेज देखें तो यहाँ पे भी रिडक्शन देखने को मिलेगी। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो नियरली फ्लैट ट्रेंड ही पाया जा रहा है। तो फंडामेंटल्स आर लुकिंग नॉर्मल्स, कोई ज़्यादा पॉजिटिव ट्रेंड इतना नहीं है, लेकिन इसके मार्च के क्वार्टर पॉजिटिव आने के बाद इस स्टॉक में जरूर पॉजिटिव और ब्यूलिश ट्रेंड देखने को मिल चुका है। तो ये जरूर एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो इस स्टॉक में ज़्यादा पैसा जो है वो पब्लिक का ही लगा हुआ है, पब्लिक का स्टेक 97.22% का देखने को मिला है, प्रमोटर्स के पास 2.78% का स्टेक है। DIIs और FIIs अभी इस स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया है, इस स्टॉक की वैल्यूएशंस बहुत ही हाई हो चुकी हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीयर्स। PE रेशो देख लो, प्राइस टू बुक रेशो देख लो, दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री, लेकिन ROE परसेंटेज अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, ये एक जरूर कंसर्न वाली बात है। लेकिन डेब्ट टू इक्विटी रेशो नियरली निल है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इस कंपनी का जो डेब्ट है नियरली निल है, आप कह सकते हो ये कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, इसके जो लेटेस्ट फाइनेंशियल्स आए हैं दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर शोइंग एक्सलेंट ग्रोथ इन द अर्निंग्स। तो अर्निंग्स की ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार है, इसीलिए इस कंपनी में अब एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं कि आने वाले टाइम में इसके नंबर जो हैं वो आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस कंपनी में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी निकल कर आ रही है कि इसके इन्वेस्टर्स को बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है, कि ये जो कंपनी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड भी कंसिडर करेगी इन द कमिंग मीटिंग्स। क्योंकि जब इस कंपनी के नंबर्स आएंगे, बोर्ड की मीटिंग होगी, तो इसमें जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उनको बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि उनको इंटरम डिविडेंड भी मिल सकता है और राइट इशू भी मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो द बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल ऑफ द अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन द June 30, 2022, दैट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरम डिविडेंड एंड कंसिडरेशन ऑफ द राइट्स इशू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बड़ा फायदा हो सकता है, डिविडेंड भी मिल सकता है और इसके जो राइट इशू है वो भी मिल सकता है। तो ये दोनों प्लस पॉइंट्स हैं जो कि इस कंपनी के इन्वेस्टर्स को जरूर नोट करके चलना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी कंपनीज हैं लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को बनाजा देती रहती हैं। कई बार क्या होता है स्टॉक स्प्लिट मिल जाता है, कई बार क्या होता है कि बाई बाय का ऑफर मिल जाता है, बोनस शेयर्स भी मिल जाते हैं, डिविडेंड तो मिलता ही रहता है, तो लॉन्ग टर्म में जो है अच्छा फायदा इसके इन्वेस्टर्स को भी हो सकता है। तो इसके जो बोर्ड की मीटिंग है उसकी डेट जरूर आप नोट कर लो, दैट इज़ शेड्यूल्ड ऑन 21 जुलाई 2022। तो इसके बोर्ड की जो मीटिंग है वो 21 जुलाई को होने जा रही है, जिसमें बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट, बहुत ही बड़ा डिसीजन हो सकता है। सो एंड में हम आपका थैंक्स कहेंगे, आपने हमारे को टाइम दिया, हमारी वीडियो को सुना। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहेगा। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक भी कर दें और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल में हम आपको बहुत ही जेन्युइन आइडियाज़ प्रोवाइड करते हैं और किसी भी स्टॉक मार्केट में पहले एनालिसिस करके फिर ही निवेश की राय देते हैं, क्योंकि कोई भी स्टॉक मार्केट हो कभी भी लीनियरली नहीं चलती है, ये आपको माइंड में रख के चलना होगा। तो इसलिए आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका बिजनेस मॉडल या उसके फाइनेंशियल जरूर चेक कर लें। सो थैंक्स अगेन, वी विल मीट यू विद अ न्यू वीडियो, न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया, तब तक के लिए नमस्कार।